मुझे अपना गमछा अपने मुंह पे बांधना पड़ा था और उस बीच चार डॉक्टर वहां काम करते थे, दुर्व्यवस्था थी। आज तो ऐसी स्थिति नहीं है, आज तो एक बेड पर एक ही पेशेंट है। बेहतरीन सुविधा हुई है, इसको हम और बेहतरीन करने की समय अब हमारे स्तर पर, शासन के स्तर पर, शासन ने इसको और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है, उसको हम अपने कार्यों के माध्यम से बीआरडी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले शोध के माध्यम से एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। और वह शोध यहां से प्रारंभ हो, यहां से कार्यक्रम आगे बढ़े, ये चीजें अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वह एक नई पहचान बीआरडी मेडिकल कॉलेज को देगा। आप सभी लोग यहां पर, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो गोरखपुर में रहते हैं, बहुत सारे चिकित्सक ऐसे होंगे जिनको कई वर्षों के बाद गोरखपुर में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी को गोरखपुर में आगमन पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आज पूरे दिन भर में लोग यहां रहे, दिन भर यहां रहे, देखें, यहां के मेडिकल स्टूडेंट के साथ बातचीत करें, संवाद करें, कुछ टेक्निकल सेशन चले, उनके बीच में अपने अनुभव को शेयर करें, कुछ नए कार्य योजना के साथ देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है इस दिशा में उन्हें प्रेरित करें और उसका केंद्र बिंदु बीआरडी मेडिकल कॉलेज बन सके, इसके बारे में भी उनके द्वारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका आगमन बीआरडी मेडिकल कॉलेज की दिश से, गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दिश से अच्छा हो, शुभ हो। इस दिश से मैं स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के अवसर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं उन सभी चिकित्सकों का जो आज जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के पास आउट हैं, और दूसरा अन्य जो थे जिनकी सिल्वर जित